हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गर्ल्स कैटिट्यूड। कैसे हो आप सब? और आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो है थोड़ा सा अलग। आज फिर से मैं आप सबके सामने एक लेके आई हूँ ज्वेलरी हॉल। बेसिकली मैंने ऐसे ही मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी तो फिर मैंने एक स्पॉन्सर्ड वेबसाइट देखी, विच वॉज एवर स्टाइलिश डॉट कॉम। और उस पर मैंने देखा कि उनके पास कुछ पेंडेंट्स, नेकलेसेस और ज्वेलरीज वगैरह थे जो कि काफ़ी अफोर्डेबल थे। और वैसे ही कुछ ज्वेलरीज फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी अवेलेबल थी, बट वो थोड़ी सी ज़्यादा महंगी थी। तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई करते हैं और मैंने इसे कैश ऑन डिलीवरी पे मंगवाया क्योंकि मुझे उनके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं था। लेकिन मुझे सरप्राइजिंगली बहुत पहले रिसीव हो गया, मतलब जिस दिन मैंने ऑर्डर प्लेस किया उसके 4 से 5 दिन के अंदर मुझे मिल गया था। हालांकि उन्होंने बोला था कि 15 दिन लग सकते हैं और मैं तो ऑर्डर करके भूल ही गई थी कि भला मैंने कुछ ऑर्डर भी किया है, इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था कि मैंने क्या ऑर्डर किया है क्या नहीं ऑर्डर किया है। बट फिर भी जब मुझे बॉक्स रिसीव हुआ एवर स्टाइलिश का, बेसिकली ये बॉक्स है जो जिसमें उन्होंने भेजा, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये ज्वेलरी हॉल। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऐसा ब्लैक स्मोकी आईज लुक ट्राई किया है। तो आप लोग मुझे बताना कि ये कैसा लग रहा है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई नो कि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बट ठीक है, वीडियो के लिए मैंने ये ट्राई किया है एंड आई थिंक इट्स लुकिंग गुड, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं इसी इयरिंग से, विच इज़ बेसिकली 5 पर्ल्स। और ये बहुत सारे मैंने शोज़ में देखे थे, बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को भी देखे थे ऐसा पहने हुए, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये इंस्टेंटली वैसा मीन्स बहुत पार्टी वाला लुक दे देता है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा उन्होंने जो है कि डिस्प्ले किया था। इसमें 5 पर्ल्स लगे हुए हैं एंड मैं आपको बताती हूँ कि ये मुझे कितने का मिला। सो दिस इज़ फॉर 136 रुपीज़। एंड ये पास से मैं दिखाती हूँ, ये काफ़ी अच्छा है, मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये उतना ज़्यादा हैवी भी नहीं है, ये काफ़ी लाइट है और आप इसे पहन के मीन्स ऐसे से हिलता है तो अच्छा लगता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू दिस पेंडेंट। ये मैंने आज सुबह ही पहना था, ये गोल्डन कलर का है। पिक्चर में डाल दूंगी। ये बेसिकली एक साइड ये मून है, चांद है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। एक साइड ये एक चांद है और दूसरे पेंडेंट के साइड में ये छोटा सा, बहुत छोटा सा तारा, सितारा है। तो इसे पहन के ऐसे आपको छोड़ देना होता है और फिर ये ऐसा कुछ लुक देता है। आप इसकी साइज को जैसा मन चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हो, आपको जितनी भी लेंथ चाहिए। तो ये हो गया आपका चांद और ये आपका हो गया सितारा। सो ये बेसिकली गोल्ड में है और इसकी क्वालिटी ठीक है, ये मुझे अच्छी ही लगी। और इसका भी मैं आपको प्राइस बता दूं कि ये मुझे कितने का मिला है। ये मुझे मिला है 98 रुपीज़ का। तो बेसिकली ऐसे टॉप वगैरह जिनका नेक लाइन बहुत बड़ा होता है और मेरा गला दिख रहा होता है और ऐसे में कुछ हल्का सा पतला सा चाहिए होता है, तो उसके लिए ही सोचकर मैंने ये मंगाया था और मुझे ये काफ़ी सही लग रहा है। एंड द नेक्स्ट इज अगेन टू लेड सिल्वर कलर्ड नेकलेस और पेंडेंट, जो भी आप बोलो, ये मल्टी लेड है। तो ये मल्टी लेयर है, इसमें एक लेयर ये है और दूसरी लेयर है जिसमें छोटा सा हार्ट बना हुआ है। ये आपने मेरे पुराने मिंत्रा के हॉल वीडियोस में देखा होगा। एक्चुअली जब मैं वीडियो बना रही थी उसी टाइम डिलीवरी बॉय आ गया और उसी समय मुझे ये मिला और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद लगा, मतलब मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। तो ये दो जो सिंपल पेंडेंट थे जो मैंने मंगाए थे, तीसरा है ये चोकर, विच इज़ पर्ल चोकर। ये मुझे, मैंने फ्लिपकार्ट पे भी ये देखा था और मुझे ये बहुत ज़्यादा मन था कि मैं मंगाऊं, लेकिन फ्लिपकार्ट पे ये थोड़ा सा महंगा था और इस पे एक्चुअली ये सस्ता था। दिस वॉज़ अ 132 रुपीज़।
और ये एक्चुअली गले में बहुत प्रिटी लगता है, मीन्स ये कुछ ऐसा लुक देगा एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी, रानी वाली वाइब आ जाती है। खैर इसमें एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि ये छोटा है, मीन्स ये ना आई एम ट्राइंग कि ये मेरे गले में आ जाए, तो मेरे गले में ये नहीं आ रहा है, ये इतना ज़्यादा छोटा है। तो बेसिकली मैं ट्राई करूँगी, मैं इसे रिटर्न तो नहीं करूँगी क्योंकि ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं पीछे से इसमें कुछ एक्स्ट्रा धागा ऐड करके मैं किसी तरीके से इसे मैनेज कर लूँगी, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और ये इस ईयरिंग के साथ जा भी रहा था, है ना। सो बेसिकली द नेक्स्ट इज ईयरिंग्स, कान में का। तो ये ऑक्सीडाइज ईयरिंग है जो मैंने ऑर्डर की है, ये झुमका है बेसिकली, और ये बहुत छोटा है, और इसमें नीचे बेल है, ऊपर में फ्लावर लगा है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े झुमकास पसंद नहीं है, इसलिए मुझे इसकी साइज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे इमेज में देख के आइडिया लग गया था कि ये छोटा ही होगा और मुझे छोटा ही चाहिए था, और इसका वेट भी काफ़ी सही है, ना ज़्यादा हैवी है ना ज़्यादा लाइट है। तो दिस इज सो स्मॉल, तो मुझे छोटे छोटे इयररिंग्स इस तरीके के काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो या आई लाइक दिस, तो दीज स्मॉल झुमकीज दे आर फॉर 98 रुपीज़, एंड आई थिंक ये बिल्कुल वर्थ है। और दूसरा जो है, मैंने स्टड इयररिंग एक मंगाया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑटो फोकस ले लो भाई, इसमें नहीं आ रहा पता नहीं क्यों, बट ये भी बहुत छोटा है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपके ईयर के शेप का है, तो आप अकॉर्डिंगली वैसे ही पहनिए। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि अगेन मुझे छोटे इयररिंग्स ही पसंद है। यस, तो ये इस तरीके का है, इसमें तीन छोटे छोटे इसमें तीन छोटे छोटे फूल बने हुए हैं। दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइज स्टड इयररिंग, एंड ये मुझे पड़ा 48 या 49 रुपीज़ का, बिलो 50 रुपीज़, एंड मुझे इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी है। यस, दिस वॉज फॉर 49 रुपीज़। सो यार दिस वॉज ऑल गाइज, ये मैंने एवर स्टाइलिश से 6 नेकलेस या पेंडेंट अलॉन्ग विथ इयरिंग मैंने ऑर्डर किया है था, और ये ओवरऑल मुझे पड़ा है 645 रुपीज़ का। यस, 645 रुपीज़ का। तो 645 में मुझे 6 चीज़ें रिसीव हुई हैं, और ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि मुझे इन सब की ही क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है। मैं इन सब को एक या दो बार पहन भी चुकी हूँ, और एज सच मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई है। तो आई थिंक कि आप चाहो तो एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरा मन कर रहा था कि मैं कुछ खरीदूँ, इसलिए मैंने इसे ख़रीदा, एंड द क्वालिटी इज़ रियली रियली गुड, एटलीस्ट इस प्राइस रेंज में तो काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए आप भी एक बार ट्राई कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यार गाइस, दिस वाज ऑल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको इनमें से कौन सी इयरिंग सबसे अच्छी लगी या फिर नेकलेस सबसे अच्छा लगा। ओके, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।